हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रोक्सीमेटिक। आज मेरे पास है ओप्पो F59 5G फ़ोन, जिसमें लगी हुई है FRP और मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे FRP लगी हुई है, आप देख सकते हैं ऊपर साइड। अब स्किप कर रहा हूँ, स्किप नहीं होने वाला है। और ऊपर साइड आप देख सकते हैं लॉक बना हुआ है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉक का सिंबल बना हुआ है, यानी FRP लॉक ऑन है। तो आज हम इसको बाईपास करेंगे UMT से। तो चलिए अपना UMT खोल लेते हैं। तो हमने UMT खोल लिया है और हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे प्रेलोडर। उसके बाद हम जाएंगे कस्टम डी वाले ऑप्शन में। यहाँ पे हम ओप्पो V1 या V2 सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका सपोर्ट करे। इसके बाद हम रीसेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके बाद हम फ़ोन को केबल से कनेक्ट कर लेंगे और हमें पावर ऑफ करना है। तो आपको वॉल्यूम अप और पावर बटन एक साथ दबाना, तभी फ़ोन ऑफ होगा, वरना यह नहीं होगा। ऑफ हो जाने के बाद आपको वॉल्यूम अप और डाउन दोनों दबा कर रखना है, जब तक कि आपका कंप्यूटर से कनेक्शन ना बना ले। देखिए, ये कनेक्ट हो चुका है। अब थोड़ी देर लगेगी और ये FRP बाईपास हो जाएगी। तो हमारा FRP बाईपास हो चुका है। अब हम इसे ऑन करके देखते हैं। तो फ़ोन पूरी तरीके से ऑन हो चुका है। हम जल्दी से इसे सेटअप कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ओप्पो A59 5G फ़ोन है और ये हमारा डन हो चुका है।